नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। जीवी के इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आज नई भर्ती की जाने वाली है, जिसके चलते सुबह से ही सेंटर पर डॉक्टर्स आ पहुंचे हैं, जिससे कि अब भर्ती प्रक्रिया कर नए डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। वडोदरा में जीवी के इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यरत है, जो गुजरात सरकार की नोडल एजेंसी के तौर पर मेडिकल ऑफिसर, आरोग्य संजीवनी और लेबर काउंसलर की नई पोस्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर्स के लिए दी गई है। वैसे PPP मॉडल के तहत 108 इमरजेंसी सर्विस, 181 अभियम महिला हेल्पलाइन, 104 हेल्थ हेल्पलाइन और आरोग्य संजीवनी और साथ ही धन्वंतरि रथ जैसी सेवाएं इस वक्त पूर्ण तौर पर कार्यरत है। इसी के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों में स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया की जानी है, जिसके चलते आज वडोदरा और आसपास के गांव से डॉक्टर उम्मीदवार कलेक्टर कचहरी के निकट मौजूद जीवी के इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिस पर आ पहुंचे और सुबह से ही वहां पर लंबी कतारों में खड़े दिखे। जामुगोड़ा थी आओ छु, पंचमहाल जिला में। अच्छा, कई जगह आवे छु, सना माटे आवे छु? इंटरव्यू माटे आयो छु, अहीं बरोडा में MSW पर भर्ती हती, एना माटे आयो छु। प्रोसेस छे, अहीं मौखिक इंटरव्यू छे अने लिखित छे, बने छे। वेकेंसी माटे काउंसलर माटे, लेबर काउंसलर माटे। आना पहेला मैं हमणां फाइनेंस बैंक में जॉब करूँ छूँ, फिनकेर में। बधी रीतना सारूँ छे, योग्य छे। हवे इंटरव्यू चालू थशे पछी बधानुं जे रीतनानुं हशे परफॉर्मन्स इंटरव्यू में, एना प्रमाणे सिलेक्ट थशे लोको। ओके, मारुं नाम सचिन सुथार छे, हूँ जीवी के MRI प्रोजेक्ट कोओर्डिनेटर बात करूँ छूँ। ठीक छे, हवे आ जे इंटरव्यू छे એ એક તો મેડિકલ ઓફિસરના છે, BHMS ને BMS માટે, જે આપણે આરોગ્ય સંજીવની માટે છે, અને એક લેબર કાઉન્સિલરની એક પોસ્ટ નવી આવી છે જે ધન્વંતરી આરોગ્ય રથ માટે છે, જેમાં લેબર કન્સ્ટ્રક્શન બોર્ડના જેટલા લાભાર્થીઓ હશે એમના માટે એ જે આવશે લેબર કાઉન્સિલર, એ એમને એક કાર્ડ બનાવી આપશે અને એમની જેટલી સ્કીમો છે એના માટે આગળ એમને માહિતગાર કરશે અને એમના વધારે બેનિફિટને વધારે લાભ એમને મળે એના માટે એ જીવિકા સાથે રહીને કામ કરશે। અત્યારે આપણે જે રીતના અત્યારે દેખાય છે એ રીતના આપણી પાસે અત્યારે 40-એક જેટલા છે ડૉક્ટર્સ અને લેબર કાઉન્સિલર, અને આ લોકોની 1x1 અમે મૌખિક અને લેખિત બંને રીતના એક્ઝામ લઈશું ઇન્ટરવ્યૂઝમાં, અને ત્યાર પછી આપણે સિલેક્ટ કરીશું। कुछ दिनों पहले हर्षिल लिम्बाचिया नाम के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल मांजलपुर पुलिस ने हर्षिल लिम्बाचिया को गिरफ्तार किया था और हर्षिल लिम्बाचिया का कब्जा UP पुलिस को सौंपा जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हर्षिल लिम्बाचिया मांजलपुर पुलिस थाने से फरार हो गया है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में से हर्षिल लिम्बाचिया फरार हो चुका है, जिसके चलते अब मांजलपुर पुलिस की ओर से आरोपी हर्षिल बाचिया को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है। वडोदरा शहर के बिलगांव में प्रतीक पटेल और मैत्री चौधरी की ओर से अनोखे तरीके से शादी की गई। दरअसल इस कपल ने प्लास्टिक फ्री शादी की और साथ ही इस शादी में शरीक हुए 1000 मेहमानों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने का संकल्प लिया। वडोदरा के बिलगांव में रहने वाले प्रतीक पटेल की शादी मकरपुरा इलाके में रहने वाली मैत्री चौधरी के साथ 22 मई यानी कि रविवार को प्रस्तावित थी। वैसे इस कपल ने अनोखे तरीके से अपनी शादी की। दरअसल इस मौके पर इस कपल की ओर से प्लास्टिक फ्री शादी करने का संकल्प करते हुए कांच की पानी की बोतलों में लोगों को पानी मुहैया करवाया गया और साथ ही अपनी शादी में किसी भी तरीके की प्लास्टिक की चीज़ का इस कपल ने इस्तेमाल नहीं होने दिया। इसके अलावा शादी में जो 1000 जितने मेहमान आए थे उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि आने वाले वक्त में ये सभी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहीं इन सभी मेहमानों को कांच की पानी की बोतल भेंट में भी दी गई। ऐसे में आइए जानते हैं इस कपल से कि आखिरकार उन्होंने क्यों इस तरीके से शादी करने का फैसला किया। सो वी कैन ऑलवेज यूज अल्टरनेट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन आवर मैरिज। वी हैव रिप्लेस्ड सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल वाटर विद अ रीयूजेबल ग्लास बॉटल वाटर। सो बी द चेंज।
અત્યારે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકથી જે હેલ્થને અને પર્યાવરણને નુકસાન થઈ રહ્યું છે એને અટકાવવા માટે લોકોને પ્રેરણા માટે અમે નક્કી કર્યું છે કે અમારા મેરેજમાં અમે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક યુઝ નહીં કરીએ. દરેક વસ્તુનું અલ્ટરનેટ ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને જે અમે આ મેરેજમાં ઉપયોગ કરીને એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યો છે. जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आ रही है जहां पर मौजूद लालजी गौशाला में कल आग लगने की घटना घटी. दरअसल वहां पर घास के गोदाम में आग लगने की घटना घटी. हालांकि जानकारी मिलते ही सबसे पहले गायों को बचाकर वहां से बाहर निकाल लिया गया और दमकल विभाग की टीम भी तुरंत ही मौके पर पहुँच गई. दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया लेकिन जितना भी चारा गोदाम में रखा हुआ था वो सारा जलकर खाक हो गया, जिसके चलते अब गायों को तुरंत ही चारे में क्या दिया जाए इसकी असुविधा खड़ी हो गई है. हालांकि गायों को सही सलामत तौर पर बाहर निकाल लिया गया था जिससे किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. तो वहीं केशोद में अन्य एक जगह पर भी कल आग लगने की घटना घटी थी लेकिन दमकल विभाग की टीम ने वहां पर भी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें. परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के 88वें प्रागट्य दिन के मौके पर वडोदरा शहर में भव्य गुरु भक्ति महोत्सव का आयोजन करवाया गया था जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल समेत के राजनीतिक अग्रणियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी. गुरु हरि परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी का 88वां प्रागट्य दिन काफ़ी धामधूम से मनाया गया. दरअसल गुरु हरि प्रबोधजीवन स्वामी महाराज की ओर से भव्य गुरु भक्ति महोत्सव का आयोजन करवाया गया था जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे. इसके अलावा इस मौके पर राज्य मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट समेत विधायक और हरिभक्त और साथ ही संत महंतों की उपस्थिति भी दर्ज की गई. दशा अपनी एना माटे जारे 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 समय मळे त्यारे आनो पण एटलो ज सत्संगनो लाभ लईए. अमारा माटे प्रॉब्लम छे अत्यारे के अमारे ज्यांथी कंईक लईने जवानुं छे त्यां आंगाड़ी अमने कंईक बोलवा माटे उभा करे એટલે સાંભળવાનું તો ક્યાંય મળે નહીં, ક્યાંકથી લઈ જવાનું, પણ છતાંય સંતોના આશીર્વાદ અમારા ઉપર રહે અને અમે ખૂબ સારી સેવા નાનામાં નાના માણસની કરી શકીએ એવી સંતોના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ. અને જ્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે એમણે કદાચ પરમ દિવસે જ અહીંયા આગળ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા તારે કીધેલું, બે ત્રણ વસ્તુ કીધી હતી, એમાંથી એકાદ વસ્તુ જેને કહેવાય કે આપણે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ વર્ષમાં 75 કલાક રાષ્ટ્ર માટે કેવી રીતે આપી શકીએ, જો એનો પણ આહવાન એમણે કર્યું છે અને જો એ આહવાન પણ આપણે ઝીલી લઈશું તો આપણે પણ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવમાં ભાગીદાર થઈ અને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવામાં આપણે પણ સહભાગી થઈ શકીએ, એટલું જ કહી મારી વાત પૂરી કરું. જય સ્વામિનારાયણ. હું અમેરિકાથી આવી છું, ન્યૂજર્સીથી આવી છું, માનસરી બેની. હા, અને માહોલ આજે બહુ જ ગમ્યો મને. સ્વામીજીએ સપનામાં આવ્યા હતા, પ્રબોધ સ્વામી મને ડ્રીમ આપી હતું, એટલા માટે બસ મને ઈચ્છા થઈ કે છે તો વીક માટે આવતીકાલે તો હું જવાની પણ છું 23મીએ. અને કોરોના પછી આટલો મોટો ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે તો કેવું એક્સાઇટમેન્ટ. હા, મને બહુ એક્સાઇટમેન્ટ છે. મને
બોલી ના શકાય એવું એક્સાઇટમેન્ટ છે. મારો સન ત્યાં છે, એણે મને કીધું, અને અત્યારે એવું થઈ ગયા છે કે હરિપ્રસાદ સ્વામી આપણી સાથે જ છે. અને હરિપ્રસાદ સ્વામીના પ્રાગટ્ય દિવસનો ઉત્સવ છે, આપ અહીંયા આવ્યા છો, ભાવ લઈને આવ્યા છો. મને બહુ આનંદ થયો છે આ બધો માહોલ જોઈને. બહુ જ ખુશ છું હું કે આટલા સ્વામીજીના માહોલ આમાં હું આવી શકી. એ સ્વામીજીની ઈચ્છા હતી તો જ હું આવી શકી છું. સૌથી પહેલા સમુદાય જય સ્વામિનારાયણ દાસના દાસ. અમે બધા 25 જણ બેંગ્લોરથી આવ્યા છે અને ખાસ અહીંયા સ્વામીજીનો લાભ લેવા માટે આવ્યા છે. એટલે કોરોના બાદ પ્રથમ વાર મોટો ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, કેવો માહોલ છે અને કેટલા ઉત્સાહિત છો? એટલે બધાને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે. અમે સાથે બધા ટ્રેનમાં આવ્યા છે અને બધા જ બહુ, એટલે બધાને બહુ ઉમંગ છે કે આટલા ટાઈમ પછી અમે લાસ્ટ જે મોટો આજે ફંક્શન છે 2020માં ઉજવ્યો હતો અને હવે સ્વામીજી દેરીલા સંઘેલી એના પછી અમે વેઇટ કરતા હતા, પણ હવે પ્રબોધ સ્વામી થકી સ્વામીજી કામ કરી રહ્યા છે અને અમે સરસ આવું અદ્ભુત આજે ફંક્શન આયોજન કર્યું છે, તો અમે એનો લાભ લેવા માટે ખાસ સાથે આવ્યા છીએ બેંગ્લોરથી. બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ હતું. જેવું અમને 2020માં જે મોટો ફંક્શન થયો હતો ત્યારે જેટલું એક્સાઇટમેન્ટ હતું અત્યારે એટલું જેટલું જ એક્સાઇટમેન્ટ છે. इस वक्त एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर गाय की ओर से हमला किया जा रहा होने की बात दिखाई पड़ रही है. वैसे इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये वीडियो आनंद के गामड़ी बड़ इलाके का है. हालांकि BRG न्यूज़ इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वक्त की जानकारी के मुताबिक तो ये वीडियो आनंद का होने की बात पता चल रही है. हालाँकि आनंद शहर में इससे पहले भी गाय के हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी. ऐसे में अब इस मामले को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वैसे ना सिर्फ आनंद में बल्कि गुजरात राज्य में जगह जगह पर सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से हादसे होते रहते हैं. ऐसे में अब प्रशासन आखिरकार इस मामले में कब हरकत में आएगा, ये सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.